सोलन में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते अब स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। कोविड के टेस्ट अधिक संख्या में हो सके, इसलिए अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पताल के अलावा सोलन के ठोडो मैदान में भी कोरोना के टेस्ट हो पाएंगे। अस्पताल में कोरोना के टेस्ट करवाने वाले लोगों की लंबी लंबी कतारें लगनी आरम्भ हो गयी थी। जहाँ ये टेस्ट होते थे, वहाँ स्वास्थ्य लोगों की पर्ची भी बनती थी और मुख्य द्वार भी वही था। कोरोना संक्रमितों से संक्रमण ना फैले, इसलिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा सोलन के बड़े मैदान में अब ये टेस्ट हुआ करेंगे। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उपल ने मीडिया को दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उपल ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड के टेस्ट के लिए अब लोगों को अस्पताल आने की आवश्यकता नहीं है। अब वे सोलन के ठोडो मैदान में स्थित रैन बसेरा में भी आकर अपना टेस्ट करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये टेस्ट बिल्कुल निशुल्क होगा और कोई भी यहां खुद आकर ये टेस्ट करवा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि कोविड टेस्टिंग के लिए उनकी 3 कर्मचारियों की टीम, एक चिकित्सक समेत मौके पर मौजूद रहेगी। ये कोविड केयर सेंटर आज से शुरू कर दिया गया है। इससे सोलन की जनता को बहुत राहत मिलेगी। ये बेसिकली वॉक इन सेंटर होगा। जो भी व्यक्ति अपना टेस्ट कराना चाहे वो अपना वॉक इन करके भी आ सकता है, और इसका हम हेल्पलाइन नंबर भी डिस्प्ले कर देंगे बड़ी जल्दी, कि जिससे घर बैठे वो अपने टेस्ट की बुकिंग करवा सकता है। सुविधाएं तो है ना कि सुबह से शाम तक मतलब टेस्टिंग वॉक इन टेस्टिंग होगी, मतलब जिसका भी दिल करेगा वो जाके अपनी टेस्टिंग करा सकता है। कोई उसको फालतू जाँच की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये थोड़ो ग्राउंड में जो रैन बसेरा है वहाँ पर खुल रहा है। नहीं, वहाँ ना तो एक टीम होगी जिसमें एक डॉक्टर होगा, एक टेक्नीशियन होगा, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर। उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, उनको अस्पताल तक नहीं आना पड़ेगा। ये उनके बिल्कुल घर के बीच में ही है बाजार, वहाँ तो सारे थोड़ो ग्राउंड तक तो सारे लोग आराम से आ सकते हैं, अपनी गाड़ी में भी आ सकते हैं, पैदल आना चाहें पैदल भी आ सकते हैं। तो ये उनके लिए काफ़ी राहत रहेगी।